हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप लोग में से बहुत लोग माइनक्राफ्ट खेलते होंगे और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग को केव में जा कर के डायमंड वायमंड कोल ये सब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कोल तो फिर भी आसानी से मिल जाता है, डायमंड आयरन वो सब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो कुछ यही प्रॉब्लम था मेरे साथ भी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ही एक आर्टिफिशियल केव बना लूँ, फिर उसके लिए मुझे कभी फिर दिक्कत ही नहीं होगा। तो आज का इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अच्छा सा लोकेशन ढूंढ लेते हैं कहाँ पर मैं अपना बनाऊँगा। देखते हैं कहाँ पर कोई अच्छा सा एक थोड़ा गुफा टाइप का मिले ना, उसी के अंदर खोद खोद के मैं अपना आर्टिफिशियल केव बना लूँगा। देखते हैं यहाँ पर कोई जगह मिले अच्छा सा, वो पहाड़ में जाके बनाता हूँ, कुछ अच्छा जगह लग रहा है मुझे। कैसे, यहाँ तो सैंड है, यहाँ पर तो नहीं बनाऊँगा मैं, यहाँ सैंड वैंड गिर जाएगा अपने ऊपर झूठ मूठ का, फिर परेशानी है। इस तरफ बनाता हूँ, इस तरफ ये अच्छा जगह लग रहा है। यहाँ पर मैं खोदता हूँ गड्ढा धीरे धीरे, और हाँ ये वाला मैं क्रिएटिव मोड में खेल रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे सर्वाइवल में ऐसे केव बनाना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, फिर हम लोग उसके लिए कोल वो लाएंगे कहाँ से। ऐसे हो गया, चलिए इसी तरह से मैं खोदते जाता हूँ नीचे। चलिए इधर हो गया, मैं इस तरफ से ऐसे नीचे जाते जाता हूँ। चलिए बहुत अच्छा, एकदम लगना चाहिए रियलिस्टिक केव के जैसा। अरे यार ये मैं ऊपर फंस गया, यहाँ पर एकदम रियलिस्टिक केव के जैसा लगना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ ऊपर जाने के लिए ये कर लेता हूँ, सैंड से हम लोग बना, डर्ट से, डर्ट डर्ट रख लेते हैं यहाँ पर। चलिए वाह, इतनी जल्दी ग्रास भी आ गया, अच्छा है ये तो। चलिए ये सही है, हमारा केव है, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ से ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बंद कर देता हूँ। हाँ चलिए ये हो गया, यहाँ से हम लोग और अंदर जाएंगे। इसको हटाता हूँ और ये वाला लाइन भी खड़ी करता हूँ। ये हो गया, अब इससे और नीचे जाएंगे हम लोग, और हाँ थोड़ा सा नीचे जाने पर हम लोग को मिल जाता है कोल। मैं हाथ में पहले अपना यहाँ पर एक टॉर्च लगा देता हूँ, यहाँ पर टॉर्च का ये रहा टॉर्च। चलिए फिर लास्ट में हटा देंगे हम लोग अपना टॉर्च, यहाँ हो गया। अब ये सब हटाता हूँ, यहाँ पर कोल, ए देखिए यहाँ पर पहले ही कोल मिल गया मुझे। यहाँ पर अपना हम लोग केव ज़्यादा वो नहीं बनाएंगे, हार्ड अंदर जाते ही हम लोग को आसानी से डायमंड मिल जाए वैसा बनाएंगे हम लोग कोल। हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पर कोल कहाँ पर है भाई, यहाँ पर रहेगा ना कोल। हाँ ये देखिए ये मिल गया कोल हम लोग को, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। कोल को हम लोग यहाँ 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 यहाँ, चलिए इतना पूरा कोल हो गया। ठीक अब यहाँ पर और गड्ढा खोदते हैं। देखिए यहाँ पर और वैसे भी कोल पहले से है तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कोल रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और थोड़ा अब नीचे में गड्ढा करता हूँ, यहाँ पर रख लूँगा मैं आयरन ओर। ये देखिए ये पहले से मुझे आयरन मिल गया, कोई बात नहीं, ये एक ही दो है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आयरन। ज़्यादा अंधेरा हो गया, यहाँ पर टॉर्च लगा लेता हूँ एक जगह। चलिए देखिए यहाँ पर इतने सारे आयरन हैं, यहाँ पर मैं और आयरन ढूंढ लेता हूँ। ये रहा, यहाँ 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 पर भर दूंगा आयरन से, मुझे फिर बाद में आऊँ कभी तो फिर ज़रूरत ही ना पड़े मुझे। यहाँ पर भी एक टॉर्च, चलिए यहाँ पर और थोड़ा कोल रख देते हैं यहाँ पर। चलिए हो गया ये, और नीचे गड्ढा खोदता हूँ मैं। और अब बोलिए मैं क्या रखूँ, रेड सैंडस्टोन भी,
अच्छा यहाँ पर लावा रहे नहीं रहेगा तो फिर मज़ा ही क्या आएगा। रुकिए नीचे जाकर के मैं लावा भी बनाता हूँ मैं। अब थोड़ा इसको और डाइवर्स करते हैं और बड़ा करते जाते हैं हम इसको केव, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं और बड़ा होता जाता है। जानते हो इसे बहुत टाइम लगने वाला है, और कोई नहीं बना लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे अपना केव। यहाँ पर टॉर्च लगा देता हूँ। यहाँ से मैं निकालता हूँ लावा, लावा बकेट, लावा चलिए मिल गया। यहाँ से हम लोग लावा निकालते हैं, ये देखिए ये लावा आ गया। और यहीं पर लावा के आसपास ही हम लोग को डायमंड भी मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग एक जगह डायमंड भी एक जगह डायमंड रख देते हैं, और एक ही नहीं रखेंगे बहुत सारे रखेंगे। तो अब मुझे चाहिए डायमंड, डायमंड और ये देखिए मेरा फेवरेट आइटम। चलिए हो गया ये, अब ये लेता हूँ मैं। अरे यार चलिए कहाँ पर रखूँ मैं, कहाँ पर रखूँ ये, और हाँ अरे यार हम लोग जल गए ना। आह भर दिया मैंने डायमंड से। चलिए हो गया। अब और नीचे बनाते जाते हैं केव। ये देखिए ज़ॉम्बी की आवाज़ भी आ रही है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर और डायमंड रख देते हैं हम लोग। भाई बहुत ज़्यादा ही डायमंड नहीं रख दिया मैंने एक ही जगह पर। चलिए कोई बात नहीं, अपना आर्टिफिशियल केव जो करना है वो करो। एक जगह टॉर्च रख देता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं लावा रख देता हूँ। चलिए ये हो गया, ये हो गया। चलिए एक तरह से अपना आर्टिफिशियल केव बन गया। रात भी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, तो वैसे भी क्रिएटिव है इसमें, ज़ॉम्बी वोम्बी तो आएंगे नहीं। यार पूरा अंधेरा हो गया यहाँ पर, टॉर्च लग गई तो यहाँ पर। वो देखिए स्पाइडर था क्या। चलिए ये बन गया हमारा आर्टिफिशियल केव, और यहाँ पर एक मार्क लगा लेता हूँ एक लंबा सा, ताकि फिर कभी आऊँ तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए ये हो गया, ये बहुत लंबा मार्क लगा लिया मैंने, लैंडमार्क एक बन जा गई। अब कभी मुझे कुछ घटेगा और केव में आने की ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यहीं आ जाऊँगा, इसको देखूँगा, और यहाँ पर आ गया अपना केव में, और यहाँ से फिर नीचे जाऊँगा और मुझे अपना डायमंड मिल जाएगा। वाह ये देखिए ये डायमंड, ओ भाई साहब यहाँ आते साथ मुझे लावा पर गिरना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ पहले गड्ढा उड्ढा खोद लूँगा यहाँ पर, उसके बाद आऊँगा। ये हो गया मेरा आर्टिफिशियल केव बन गया। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं अभी नया नया यूट्यूब में हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि और भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएँ। और मैं जानता हूँ आप लोग को मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि अभी मेरे पास माइक भी नहीं है, और वैसे भी अभी मैं नया नया यूट्यूबर हूँ, ठीक से बोलने भी नहीं आता है मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरा वीडियो बनाते बनाते धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए।